तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया एक भूखे हुए राही को जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया बैठो ना दूर हमसे देखो खफा ना हो बैठो ना दूर हमसे देखो खफा ना हो किस्मत से मिल गए हो मिलके जुदा ना हो किस्मत से मिल गए हो मिलके जुदा ना हो मेरी क्या खता है होना है जो भी के जमीन से भी कहीं आसमान मुझको आवाज दो छुप गए हो सनम तुम कहाँ मैं यहाँ तुम कहाँ मैं यहाँ जान जान ढूंढता फेरा हूँ तुम्हें पास थे तुम खड़े मेरे दिल में बसे और तुम्हें कुछ पता ना चला पास थे तुम खड़े मेरे दिल में बसे और मुझे कुछ पता सारा जहां तुम कहां मैं यहां तुम कहां मैं यहां जाने जा ढूंढता फेरा हूं तुम्हें की परवाह करे क्यों ला 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 दम मारो दम
रक्षा करता है लाइफ बॉय। हाँ क्या सीन था मैम? हाँ नहीं चलिए हम कुछ दूसरा करते हैं। मैंने दोपहर में कुछ एक्टर्स लोग हैं जो नाराज़ हैं हमारे मैम से कि आपने सबको बुला लिया, अपने क्लोज वालों को बुला लिया और हमको नहीं बुलाया। तो मेरे पास कॉल आए सबके, मैं मीडिएटर हूँ, मैं उनके संदेश यहाँ तक पहुँचा रहा हूँ कि मैम कितने एक्टर्स आपसे नाराज़ हैं बॉलीवुड के। सबसे पहले सैफ अली खान साहब नाराज़ हैं। अरे कम ऑन यार, ये कोई बात हुई? आपने सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। यू नो वॉट, मैं आता, मेरी बीवी आती, करीना और मेरा छोटा सा बच्चा तैमूर क्या खा लेता आपका? एक छोटी सी बिरयानी की प्लेट और एक केक। उसके बाद आते हैं हमारे फिर से नवाज। माँ कसम, अपन 15 मिनट तक के लिए सांस को रोक के रख सकता, लेकिन मैडम आपने बुलाया नहीं, अपन आज बहुत इधर मारा मैडम आपने मेरे को। अगले बर्थडे में आपके जन्मदिन से 3 दिन पहले आपके घर पे आके बैठेगा मैडम। इनके बाद आते हैं अजय देवगन साहब आते हैं। अली रे अली, हट्टा तुझे बारी अली, सबको बुलाया तुझे नहीं बुलाया। रो 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 रो, झूठ पसंद नहीं है मुझे, झूठ पसंद नहीं है, अगले बर्थडे पे जरूर बुलाना, अट्टा बाजी सटकली। इनके बाद आते हैं हमारे नाट्य से कलाकार राजपाल यादव साहब। अरे भैया कमाल कर दिया आपने, सबको बुला लिया, मैडम मैं इतना छोटा क्या खा लेता, एक केक का टुकड़ा थोड़ी बिरयानी हो जाता। सुनील शेट्टी का एक किस्सा याद आ रहा है सर। अब देखिए, अब क्योंकि वैसे भी काम नहीं है, एक दौर था रिसेशन का, वैसी फीलिंग आ रही है। किसी ने बोला कि भैया हमारा छोटा सा बच्चा रोए तो लल्ला लल्ला लोरी सुना देना। सुनील शेट्टी साहब ठीक है, वो ले लिया, वो बच्चा ले लिया। वो थोड़ी देर के बाद वो लोग गए, वहाँ इंटरवल हुआ और ये बच्चे का रोना यहाँ शुरू हुआ। ये बच्चा रो रहा है, सुनील शेट्टी साहब मना रहे हैं उसको अपने ढंग से, क्या क्या कर रहे हैं, जतन कर रहे हैं, नहीं मान रहा। फाइनली उन्होंने लोरी सुनाई, लल्ला लल्ला लोरे दूध के कटोरे। वो बच्चा सो गया। 3 महीने बाद कोमा से उठाया वो बच्चा। मैं आने से पहले मेरे दिल में ये घबराहट थी, ये खौफ था कि क्या पता मैं साबित कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मैं क्या पता मैं कैसे करूंगा। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मैडम ने एक ही चीज़ कही, गो ऑन करो। तो मेरी कोशिश है, मैं बड़ा खौफजदा था, बहुत डर था मेरे अंदर के पता नहीं क्या होगा। मैडम मतलब मैं एक और सॉरी बोलूँगा मैम, मैं जब यहाँ आ रहा था, जब मेरी पहली मीटिंग हुई थी आपके साथ, उसके बाद मैंने कि आप मैडम को थोड़ा सा देखते हैं, मैडम का मिजाज कैसा है। मैडम बहुत फैंटास्टिक, एक बार तालियाँ होनी चाहिए जोरदार। इतनी साफ गोई लेडी मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी, और इंशाल्लाह ताला मैं जुड़ा हूँ जब तक, मैं इसमें कोशा रहूँगा कि मैं अपनी जात से जितने फ़ायदे पहुँचा सकूँ, एफ़ ए को बचाऊँगा।